नमस्कार, मैं प्रिया, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। वहीं पंचायत चुनाव को लेकर अब बिहार में मतदान से लेकर मतगणना तक को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने कई दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। इसी बीच अब राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव को लेकर एक और बड़ी जानकारी साझा की है, जिसके तहत आयोग ने ऐसी परिस्थिति को लेकर खुलासा किया है जिसमें दो उम्मीदवारों की एक समान अगर वोट आते हैं तो जीत किसकी होगी। कई बार ऐसा देखा गया है कि मतगणना के दौरान दो उम्मीदवारों को एक समान वोट मिल जाते हैं, जिसके बाद विजेता को लेकर बवाल शुरू हो जाता है। हालांकि आगामी पंचायत चुनाव में ऐसी ही परिस्थिति ना देखने को मिले, इसीलिए राज्य निर्वाचन आयोग ने ऐसी परिस्थिति के लिए एक अनूठा रास्ता निकाला है। राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार निर्वाची पदाधिकारी उन उम्मीदवारों के बीच लॉटरी निकालेंगे और जिस उम्मीदवार के पक्ष में लॉटरी निकलेगी उसे एक अतिरिक्त वोट प्राप्त हुआ माना जाएगा। इसके आधार पर ही निर्वाची पदाधिकारी द्वारा चुनाव परिणाम घोषणा कर दी जाएगी। लेकिन लोकतंत्र की दुनिया में हर व्यक्ति के विचार और मांग का मोल है। ऐसे में राज्य निर्वाचन आयोग ने उम्मीदवारों को एक और विकल्प दिया है, जिसके तहत आयोग ने साफ कहा है कि अगर उम्मीदवार चाहे तो वोट की दोबारा से गिनती भी करवा सकते हैं, लेकिन इसके लिए उम्मीदवारों को कुछ नियमों का पालन करना होगा, जिसके तहत अगर उम्मीदवार अपने वोटों या अपने पक्ष में आए निर्णय से संतुष्ट नहीं है तो उम्मीदवार या उसकी अनुपस्थिति में उसके चुनाव एजेंट या गणना एजेंट द्वारा वोटों की पुनर्गणना को लेकर लिखित रूप से आवेदन दे सकते हैं। इसके लिए आवेदन के साथ साथ पुनर्गणना कराए जाने के आधार सहित निर्वाची पदाधिकारी या उसके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी को ही लिखित आवेदन दिया जा सकेगा। राज्य निर्वाचन आयोग की माने तो चुनाव के बाद संबंधित दस्तावेज का उपस्थान या निरीक्षण न्यायालय या समक्ष प्राधिकारी के आदेश से ही किया जा सकेगा। आयोग ने मतगणना को लेकर रखे गए दस्तावेजों को एक साल तक या किसी कानूनी कार्रवाई के लंबित रहने की समयावधि तक सुरक्षा में रखने का आदेश दिया है। इसके बाद ही आयोग या किसी सक्षम न्यायालय या प्राधिकार की तरफ से दिए गए किसी प्रतिकूल निर्देश के आधार पर उन्हें नष्ट कर दिया जाएगा। ज्ञात हो बिहार में पंचायत चुनाव का आयोजन अब किसी भी समय करवाने की तारीख का घोषणा किया जा सकता है। कोरोना की संभावित तीसरी लहर को ध्यान में रखते हुए राज्य निर्वाचन आयोग इसी कोशिश में है कि पंचायत चुनाव का आयोजन समय पर करवा लिया जाए। यही कारण है कि राज्य निर्वाचन आयोग ने अब तक कई सारी घोषणाएं कर दी हैं, साथ ही समय समय पर चुनाव को लेकर लगातार अलर्ट भी जारी किया जा रहा है, जिसके तहत चुनाव का आयोजन से लेकर के मतदान तक की योजना बनाई जा रही है। साथ ही 10 चरणों में चुनाव के आयोजन कैसे और किस तरह से करवाया जाना है इसको लेकर भी तैयारियां शुरू हो गई है। इसके साथ ही आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।